शेख साधु की पुस्तक गुलिस्तान साधु की नीति दूसरा अध्याय चौदहवीं कहानी चू फरामानी बकस्ती तन व इज्जत अंदर मदह दुश्मनारा पोस्त बर कन दोस्तारा पोस्तिन अर्थात विपत्ति के समय हाथ पर हाथ धरकर निराश होकर मत बैठ जा, दुश्मनों की खाल और दोस्तों के कपड़े तक उतार ले। एक फकीर जरूरत पड़ने पर एक दोस्त के घर से कम्बल चुरा लाया। विचारक ने उसके हाथ काटने का हुक्म दिया। कम्बल के मालिक ने बीच में पड़कर कहा, मैं इसे दोष मुक्त करता हूँ। विचारक ने कहा कि हम तुम्हारे बीच में पड़ने पर भी न्यायानुसार दंड दिए बिना न रहेंगे। उसने कहा, आपका कहना उचित है, किंतु जो मनुष्य धर्मार्थ अलग की हुई चीज चुराता है उसे अंग काटने की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि न तो फकीर ही किसी चीज का मालिक होता है और न कोई फकीर का ही मालिक होता है। फकीर के पास जो कुछ होता है वह मुंह ताजू के ही लिए होता है। विचारक ने उसको छोड़ दिया और कहा, क्या संसार में तुझे और जगह न मिली जो तूने ऐसे मित्र के यहाँ ही चोरी की। उसने जवाब दिया, ए मेरे मालिक, क्या तुमने नहीं सुना है कि अपने दोस्तों के घर बुहारो किंतु अपने दुश्मनों के दरवाजे मत खटखटाओ। जब तुम पर आफत आवे तब निराश मत हो, अपने दुश्मनों की खाल उधेड़ो और अपने मित्रों की कुर्ती उतार लो। कहानी।